तो आज की कहानी शुरू होती है सुबह 5 बजे, ठीक है। आज हमें आज जाना था पालघर को, और आज की कहानी शुरू शुरू हुई 5 बजे। लेकिन अपना नसीब इतना खराब है कि जब हम रात को सोए तो लाइट थी, और जब सुबह उठे तो लाइट नहीं थी। 5 बजे सुबह उठे और 6 बजे निकलना था। 1 घंटा लाइट का वेट किया लेकिन लाइट आई नहीं, ठीक है। लेकिन माँ शेरा वाले का हम पे आशीर्वाद है। किसका? माँ शेरा वाले का हम पे आशीर्वाद है कि हम सोते वक्त ही मोबाइल चार्जिंग पर लगा के सो गए थे, इसलिए जब हम उठे सुबह तो चार्जिंग फुल थी। अपना लक कड़क है, बोले तो एकदम मक्खन। अभी देखो, अपनी ट्रेन थी सुबह 7:30 की, तो हमने लगाया था अलार्म सुबह 5 बजे का। 5 बजे उठ के देखा तो लाइट नहीं थी, ठीक है। तो जैसे तैसे मरोड़ मरोड़ के हम उठे सुबह 6 बजे तक। अभी तैयार, अब लाइट नहीं थी तो तैयारी हमारी हो गई 15 मिनट में। लाइट तो थी नहीं, पूरे अंधेरे में कुछ समझा नहीं। उठे, नहाए फटाफट, अंधेरे में जाके नहाए और तैयार, जो कपड़े निकाल के रखे थे रात को ही वो पहने। जैसे जैसे कुछ तो लगाया, लाली पाउडर तो नहीं लेकिन पाउडर थोड़ा सा लगाया था, ठीक है। और वो सब हुआ सिर्फ 10 मिनट, बाकी के 15 मिनट हगने में लग गए क्योंकि सुबह सुबह प्रेशर ही नहीं आया नहीं आया। ये तो हो गई प्रेशर की बात। फिर हम जैसे तैसे करके पहुंचे स्टैंड पे। अब हमें जाना था ट्रेन से, अब हमें जाना ट्रेन से, तो पहले हमने ली बस। बस लेके हम पहुंचे पुणे स्टेशन, और माँ कसम, जो सुबह पुणे स्टेशन पे जो वेदर था ना, एकदम पैसा वसूल, मतलब पूरा। टास्क था, सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था टिकट निकालना, क्योंकि टिकट निकालने में जो सुबह गर्दी होती है, जो भीड़ वहां पे होती है, वो सिर दुखा देती है, ठीक है। और पहुंचते पहुंचते हमको हो गए थे 7:45। हमें डर था कि ट्रेन कहीं छूट ना जाए, अगर छूट गई तो दूसरी ट्रेन से जाना पड़ेगा तो बहुत लेट हो जाता। लेकिन आपके भाई का लक इतना अच्छा है, इतना आपका भाई लकी है, ऐसा पहुंचते ही, कैसा ऐसा पहुंचते ही दूसरे नंबर पे अपने को टिकट मिलेगा। यह होता है, यह होता है लक, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमको टिकट मिल गया, तो टिकट लेके हम पहुंचे प्लेटफॉर्म नंबर 5। गाड़ी होती है डेक्कन एक्सप्रेस, आपने नाम तो सुना ही होगा। डेक्कन एक्सप्रेस जो है वो 1 नंबर पे खड़ी होती है, लेकिन हम थोड़े से स्पेशल है तो उन्होंने हमें भगा दिया 5 नंबर पे। भगा दिया, हम भागे भागे पहुंचे 5 नंबर पे। सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जो होता है ट्रेन में, उस ट्रेन में, वो है जगह ढूंढना, ठीक है। जगह ढूंढना ट्रेन में, जगह होती नहीं है, बस 2 जनरल डब्बे होते हैं, बाकी सब रिजर्वेशन। और हम भी निकल पड़े, हमने भी देखा देखा देखा, बस गए रिजर्वेशन डब्बे में, बस तो बैठ गए। बैठ तो गए लेकिन थोड़ी देर बाद जो हाल हुआ वो ये हुआ। अब क्या हुआ, हमारे पास था सादा एक्सप्रेस का टिकट, ठीक है। और आ गए टीसी भाई। टीसी ने पूछा, बेटा आपका कहाँ तक है टिकट, टिकट बताओ, रिजर्वेशन है? हमने बोला, नहीं सर, हमारे पास तो सादा टिकट है। बोले, उठो और आगे जाओ। हमने भी हमारा बस्ता उठाया और चल दिया आगे। आगे गए हम, गए आगे, आगे वाले डब्बे में, और जो देखा है, हमारे तो होश ही उड़ गए। And I guess in a way you do. Holding my breath, I'm reveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints, and they're hard to see.
पुणे टू मुंबई जा रहे हो और आपने ये नहीं देखा तो आपने क्या देखा? और अगर आपने ऐसे सफर नहीं किया तो क्या सफर किया? बोलो, क्या पैसे वसूली किए क्या आपने? नहीं किए। फिर हम पहुंचे दादर स्टेशन पे, पहला पड़ाव तो कंप्लीट। दादर स्टेशन पे पहुंचने के बाद हमारा दूसरा पड़ाव था फटाफट जाके लोकल पकड़ना ढानू की। अब ढानू की लोकल होती है वो होती है 10:15 को, और हम पहुंचते पहुंचते हमें होगा 10:30। ट्रेन तो छूट गया हमारी, हम गए उधर भागे भागे दौड़े दौड़े, पूछे कि भैया, एक भैया को पूछा, भैया क्या गई ढानू लोकल? पहले ने बोला हाँ, दूसरे ने बोला ना, फिर ने वापस बोला हाँ। तो हमने भी सोचा, अब 10:15 की ट्रेन थी, 10:30 इतना लेट कभी लोकल तो होती नहीं है। तो हमने फटाक करके दिमाग लगाया और चढ़ गए विरार लोकल में, और रवाना हो गए विरार के लिए। आपका भाई भी होशियार है भाई, टप्पे टप्पे में जाएगा लेकिन जाएगा, यही तो खास बात है। फिर हम पहुंचे विरार, विरार को जाते वक्त कुछ लोकल के सीन्स देखो कुछ ऐसे थे। If you feel my mind, call me all night long. Try to give you hints and a heart to see. Right on the line, no. Losing it on you is the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. With you, I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. विरार को उतर के हम वापस चढ़ गए ढानू लोकल में। I would rather lie. I don't wanna fight. I would rather lie to you. पालघर को आता हूँ मैं सिर्फ 3 रीजंस के वजह से। पहला है ये हमारे कालिया, और बाकी के रुको भाई रुको, सब अभी थोड़ी बता दूंगा, आगे के ब्लॉग्स देखो सब पता चल जाएगा। और आगे पता करने के लिए आपको एक करना पड़ेगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो, लाल वाला बटन है वो दबा दो, और लाइक का बटन भी दबा देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।